गवर्नमेंट के पास ब्लैक मनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा स्टांस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि उन्हें 2022 तक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। पाकिस्तान में आजकल रियल एस्टेट सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करता सेक्टर है। हर जगह रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में रियल एस्टेट में एमनेस्टी स्कीम भी मुतारिफ करवाई है। ऐसे में लोगों के जहन में कई सवाल जन्म ले रहे हैं। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी भी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में लगाने से पहले ये जरूरी है कि हमें रियल एस्टेट, इससे मुंसलिक टैक्स और एमनेस्टी स्कीम के बारे में मुकम्मल आगाही हो। इसी सिलसिले में हमने एक एक्सपर्ट से बात की। तीन तरह के टैक्सेस हैं, जिसमें सबसे पहले इनकम टैक्स है, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर भी है, इंडिविजुअल्स पे भी है और कॉर्पोरेट के ऊपर भी है। और इसके बाद सेल टैक्स है, जिसको दुनिया में वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स डिफरेंट गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। और थर्ड जो है वो कैपिटल गेन टैक्स है, जो कि आपके एसेट्स के ऊपर यानी कि स्टॉक्स पे, रियल इस्टेट पे जो है कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि उनकी खरीदो फरोख्त के प्रॉफिट को कहा जाता है। प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो दो तरह के टैक्सेस हैं, एक जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तब आपको देना पड़ता है, और एक जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं तब आपको देना पड़ता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स आप देते हैं, जो कि एट द एंड आपके इनकम टैक्स के अंदर एडजस्टेबल होता है। और जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जब उसका जो प्रॉफिट है यानी कि खरीदने और बेचने का जो डिफरेंस है, उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। उसकी डिफरेंट स्लैब्स हैं, हायर स्लैब जो है वो 4 ईयर्स तक स्लैब्स जाती हैं, सबसे ज़्यादा हायर स्लैब फर्स्ट ईयर में है, फिर वो रिड्यूस होते होते 4 ईयर, और आफ्टर 4 ईयर्स के बाद कैपिटल गेन टैक्स भी एग्जेम्प्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हुकूमत पाकिस्तान ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो एमनेस्टी दी है उसको 100D कहते हैं। उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट इन्वेस्टर्स के लिए है और एक पार्ट बिल्डर्स के लिए। जो इन्वेस्टर्स के लिए पार्ट है उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये छूट दी है कि वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा कि वो कहाँ से उन्होंने इन्वेस्ट किया, आया कि वो कोई वाइट मनी उनके पास थी या ब्लैक मनी थी, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड पार्ट बिल्डर्स के लिए, जिसको उसके अंदर भी उन्होंने बिल्डर्स को टैक्स की ये छूट दी है कि उनकी परचेजेस के ऊपर जो है विद होल्डिंग टैक्स लगता है, उसकी उन्होंने उनको छूट दे दी है। और एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्स की कलेक्शन के लिए उन्होंने उसके लिए पास कर दी कि आप जो टैक्स देंगे वो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से फिक्स्ड अमाउंट। गवर्नमेंट के पास ब्लैक मनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा स्टांस है कि उन्होंने अगर इस ब्लैक मनी को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इनकॉर्पोरेट या पार्क करवाया, तो इसके लिए ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ कोई 60-70 किस्म की और इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो वो 60-70 इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी। एज ए इन्वेस्टर तो आप जैसा कि समझते हैं पाकिस्तान के अंदर लॉज बदलते रहते हैं, नई गवर्नमेंट आने वाली वो पिछली गवर्नमेंट के लॉज को री इंजीनियर करती रहती है, तो उसके लिए लोगों को ये कि उनका जो वाइट पैसा है या जो ब्लैक पैसे को वो वाइट करना चाहते हैं वो एक रिस्क है। क्या है कि उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, इसके ऊपर कोई खासी क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, या जो लोग समझ रहे हैं कि उसको किस तरीके से हम वाइट करेंगे, तो ये कोई खासी क्लैरिटी अभी गवर्नमेंट के पास इसकी नहीं है। ब्लैक मनी से मुराद जो है दो तरह की ब्लैक मनीज़ है, एक वो पैसा है जो आपने सही ज़राए से कमाया है और लेकिन आप किसी वजह से उसको डिक्लेयर नहीं कर सके अपनी वेल्थ के अंदर, और दूसरा जो है वो आपने किसी प्रोबिटेड बिजनेसेस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या कोई ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट नहीं है उससे कमाया है, तो वो इसके अंदर रेगुलेट नहीं होगा। और बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ये रिस्क है कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि उन्हें 2022 तक अपने प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना है, और इसके लिए जो क्वालिफाई करेंगे लोग वो होंगे जिनके पास अथॉरिटीज़ की तरफ से NOCs होंगी। जैसे अगर हम रावलपिंडी से हम बात की, ट्विन सिटी की बात करें, तो यहाँ पे RDA है, CDA है, NESPAC है, ये अथॉरिटीज़ अगर अपने इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेंगी तो फिर ये एमनेस्टी अवेल कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ उसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी तो ये है कि अगर कोई आदमी रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, उसके अलावा वो इसको इस इन्वेस्टमेंट को शेयर्ड कर सकता है अपने फैमिलीज के साथ, उसको डिवाइड कर सकता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर हम प्रॉपर्टी को उसकी सही वैल्यू पर डिक्लेयर करें खरीदते वक्त और फिर बेचते वक्त भी सही वैल्यू पर डिक्लेयर करें, तो फिर कैपिटल गेन टैक्स की जो का जो स्लैब है वो इतना हायर नहीं खड़ा हो, इससे एक सही वाइट मनी भी जनरेट हो जाएगी और वेल्थ को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं देने पड़ेंगे।